बहुत सारे लोग आजकल फ़ोन कर रहे हैं कि पिंक बड आने वाला है या फिर ग्रीन टेप है, ऐसे में क्या स्प्रे करें। यहाँ तो ऑलमोस्ट पिंक आ ही गया है क्योंकि येलो वाइट का बगीचा है, कई जगह थोड़ी हल्की फुल्की फ्लावरिंग भी हो गई है। ये देखिए पिंक स्टेज आ गई है और कहीं कहीं फूल भी है। सब लोग ये पूछ रहे हैं कि स्टेज में क्या किया जाए। जनरली इस साल ऐसा लग रहा है कि सर्दियों में बर्फ़ तो नहीं गिरी है, चिलिंग काफ़ी हद तक पूरी हो गई है कि आगे बारिश खुलेगी, तो सबसे ज़रूरी तो इस टाइम हमारे को फंजीसाइड करना चाहिए। अगर तो आपके फूल आ गया तब तो नहीं कर पाएंगे आप, अगर उससे पहले की स्टेज है पिंक या उससे पहले की, तो अगर हल्का फुल्का पिंक भी आ गया तो फंजीसाइड आपको हल्की फुल्की करनी पड़ेगी कोई, जैसे कि बेवस्टेन, माइक्लोबुटलिन वगैरह, ताकि फूल पे ज़्यादा सा ना हो। और जहाँ तक मेरा ख्याल है इस साल इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि इस बार बारिशें होंगी। जो हम इंसेक्टिसाइड करते इस टाइम वो ज़्यादातर हम थ्रिप्स के लिए करते हैं कि वो ज़्यादा थ्रिप्स हो जाते तो पोलन खा लेते हैं, तो वो तो ज़रूरत नहीं रहेगी। और मैंने तो काफ़ी सालों से पिंक पे कोई भी स्प्रे नहीं की है। हाँ, ग्रीन टेप या उससे थोड़ा पिंक से पहले मैं फंजीसाइड कभी कभी कर लेता हूँ, जैसे इस साल है मौसम ख़राब है तो फंजीसाइड करना ज़रूरी है। और न्यूट्रिशन देना भी ठीक है आजकल क्योंकि नमी भी है और आप कि बारिशें भी आने वाली है तो आप फर्टिलाइजर्स भी डाल सकते हैं। मैंने तो अभी तक पोटाश डाली है, अब इससे आगे यूरिया डालूंगा। जैसे ये स्टेज आ गई पिंक ऑलमोस्ट, तो मैं तो पिंक में कभी भी कोई स्प्रे नहीं करता। और इस साल प्रोमलिन के लिए भी लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं, अगर आपने अपना सेब लंबा बनाना है और रस्टिंग आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो तो फंजीसाइड से रस्टिंग होती है उस पर तो नहीं फ़र्क पड़ता, जो जनरल रस्टिंग होती है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है वो। और जैसा मौसम है अगर ऐसा ही रहा तो वो इफेक्टिव बहुत होगा क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी की वजह से वो बहुत इफेक्टिव होता है। कोई भी दवाई हो अगर ह्यूमिडिटी अच्छी हो और सूखने में उसमें टाइम लगे तो इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है वो फंजीसाइड, पेड़ ज़्यादा अब्जॉर्ब करते उसको। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आप फंजीसाइड के बारे में सोचें अगर आपके ग्रीन टेप या टाइट क्लस्टर की स्टेज है, इंसेक्टिसाइड की मत सोचें। इस बार जो बीमे में टिप में बीमे को कीड़ा खाता था वो भी नहीं खाया हुआ इस बार, बहुत कम है, तो इसका मतलब कीड़ा भी इनिशियली हर साल से कम है। यहाँ देखिए, यहाँ तो ऑलमोस्ट फ्लावरिंग हो गई है। तो अगर ये स्टेज आ जाए तो स्प्रे नहीं करनी चाहिए। ये स्टेज एग्जैक्ट 30-40% फ्लावर आ गया इस पेड़ में तो प्रोमिलेंट करने की स्टेज है। मैं तो अपने इससे देखता हूँ कि अगर कॉस्ट देखी जाए प्रोमिलेंट की और उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाए स्पेशली लुहाइट के लिए, वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगता है। पर अगर आपके रस्टिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब आप
कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सेब बहुत ज़्यादा लगता है उससे, सेब लगाने में प्रॉब्लम इनका बहुत कम रोल रहता है, ये भी बोल सकते हैं ना के बराबर रहता है। ये पियर्स का पेड़, इसमें तो सेटिंग भी हो गई है और इस पेड़ में काफ़ी अच्छी सेटिंग है। ये जो फ्लावर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं जिन पेड़ों में, ये गाला के पेड़ है। ये स्पर के पेड़ है जिसमें पिंक है, कहीं कहीं बीच में फूल खिलने लग गया हुआ है। और ऐसे मौसम में आपको बीज लगानी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बहुत कम टाइम मिलना है आपको पोलिनेशन के लिए। और इस बार जो सुनने में आया है रेड गोल्ड और गोल्डन लोगों के कम है, तो जितना टाइम मिलेगा उसमें पोलिनेशन के लिए बीज का खास ख्याल ध्यान रखना। अगर तो आपके अपनी है तो सबसे अच्छा है वो, अगर नहीं है तो फिर आप बीज लगा सकते हैं, मक्खियाँ लगा सकते हैं। और हमारे बारे में बहुत कम सोचती है कोई भी गवर्नमेंट क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। तो अपने बारे में हमारे को खुद सोचना पड़ेगा। जबकि पिछले इलेक्शन में मेन मुद्दा ओपीएस का था, सेकंड बड़ा मुद्दा हॉर्टिकल्चर का था, तो अभी तक हमारे लिए कुछ खास घोषणाएं नहीं हुई है। सिर्फ ये हुआ है कि पॉलिसी बनेगी इस पर, बजट में भी यही बोला गया कि पॉलिसी बनेगी, कुछ सी स्टोर्स खुलने हैं जिसमें, वो तो बड़े बड़े खुलने हैं। कई सालों से हम लगे हैं कि छोटे सी स्टोर्स के लिए परमिशन दी जाए, सब्सिडी दी जाए उसमें, ताकि किसान अपने लेवल में खोल सके। जितने भी अभी सी स्टोर्स है प्राइवेट वाले तो हमारा सेम नहीं रखते हैं, तो जो गवर्नमेंट सी स्टोर्स है उनके चैम्बर्स बहुत बड़े बड़े हैं जिसमें 5-10 हज़ार पेटी आती है, तो उतनी पेटी आम ग्रोवर के नहीं होती है। और अभी तक जो फंजीसाइड्स और इंसेक्टीसाइड जो हमारे को मिलते थे सब्सिडी में, वो भी नहीं आए हैं। और हमारी नई सरकार श्री सुखू की सरकार, नौजवान सरकार, इनके पास जैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो बिल्कुल नौजवान मेहनती यंग कैबिनेट मिनिस्टर्स है तीन तीन। रोहित ठाकुर जी अपने कोटखाई से, अनिरुद्ध सिंह जी, विक्रमादित्य जी और जगत सिंह जी जो हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं, बड़ी बेबाक बातें करते थे जब बीजेपी सरकार थी, तो उनसे जल्दी एक्शन की उम्मीद करते हैं हम कि कुछ ना कुछ मिले हमारे को रिलीफ इस मामले में। और कुछ ना कुछ हमारे फायदे की बात करें। थैंक यू।